कितने पैसे हैं? अम्मी, जोया क्या हुआ? क्या हुआ बेटा, क्या देख लिया? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल गई थी? नहीं, आ जा, चले। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं समझ सकता हूँ सलीम साहब आपकी नेक नियती को, और दाद भी देता हूँ उसमें। एक बात बताएं सलीम साहब, अगर निकाह के हवाले से उन लोगों से बात की जाए तो क्या ख्याल है आपका कि आप इस चीज के लिए तैयार हैं? जी मौली साहब, मैं बिल्कुल तैयार हूं, लेकिन इससे पहले मुझे अपने बच्चों से मशवरा करना होगा, उनको एतमाद में लेना होगा। बहुत खुशी की बात है, पर ऐसे ही होना चाहिए। बाकी अल्लाह को जो मंजूर। बेशक। चाहिए किसकी नजर लग गई है हमारे घर को। सानी जी, हमारे लिए दुआ करें ना, अल्लाह हमारी मुश्किलात आसान करे। हाँ हाँ, इंशाल्लाह शेरी, सब अच्छा होगा, और जिन लोगों को खुदा पे यकीन हो अल्लाह उन्हें कभी मायूस नहीं करता। पुलिस स्टेशन जाने से डर रही थी, मुझे किसी को साथ लेकर जाना चाहिए था, बस मुझसे गलती होगी। सही बात है, ऐसे में किसी मर्द का साथ होना बहुत जरूरी होता है। तुम मुझे बता देती, मैं मौलवी साहब से कहती, वो खुद चले जाते तुम्हारे साथ। हो गई गलती। चलो परेशान ना हो, इंशाल्लाह बुखार उतर जाएगा, ठीक हो जाएगी। चीनी, तुम जरा मेरी एक बात सुनो, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखो, तुम मेरी बात समझने की कोशिश करना, बुरा मत मानना। जब तक नसीमा पा जिंदा थी ना, तो कोई फिक्र की बात नहीं थी, लेकिन अब तुम्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। इस बारे में क्या मतलब? देखो, इस माशरे में मर्द के सहारे के बगैर एक अकेली औरत का रहना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आज ही का देख लो ना, अगर कोई मर्द तुम्हारे साथ गया होता तो उस पुलिस वाले की हिम्मत होती तुम्हें इस तरह हिरासा करने की? देखो, तुम भी कहोगी कि मैंने ये बात इतनी जल्दी छेड़ दी, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत देर हो गई है पहले, अब मजीद देर नहीं होनी चाहिए। जोया की ना दवा का वक्त हो गया, मैं उसके लिए पानी लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम उसका ख्याल रखो, उसके पास बैठो, मैं भी अब घर चलती हूँ, मौलवी साहब घर आ गए होंगे। लेकिन सुनो, जो भी कुछ मैंने तुमसे कहा है ना, इसके बारे में सोचना जरूर। जी चलो, तुम उसके पास बैठो, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज। क्या हो गया सबको अचानक? समझ क्यों नहीं रहा कि मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है मेरा शादी करना।
हाँ माँ जैसी थी, वो जोया की माँ भी थी और बाप भी। बहुत अच्छी खातून थी मरुआ, वो इस घर का मर्द थी, सही सरपरस्त थी। जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान उठाया उन दोनों माँ बेटियों ने। कैसा था बेटा कॉलेज? अच्छा रहा। तो किताबें मिल गई थी? जी जी मिल गई। जी अस्सलाम वालेकुम शीरी जी, अब बात हो सकती है? मैं घर पहुंच गया हूं। जी जी। अरे सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको अकेले पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत क्या थी, और वो भी जोया को साथ लेके। भाई थोड़ा सा सबर तो कर लेती आप, या मुझे फोन कर देती, मैं साथ चलता। आप अच्छी तरह जानती है कि वो जो इंस्पेक्टर है किस कमाश का आदमी है। नहीं करना चाहिए था आपको ये। खैर मैं थोड़ी देर में आता हूं, फिर आके बात करूंगा। ठीक है, खुदा। अबू ये पुलिस वाला क्या सीन है? अरे भाई वो लड़की अगवा हुई थी ना, वो पुलिस वाला तंग कर रहा है उन दोनों माँ बेटियों, और मैं उनसे कह रहा था भाई आपको अकेले नहीं जाना चाहिए था। क्या मतलब, कैसे तंग कर रहा है? कैसे तंग कर रहा है तुम्हें नहीं पता कि यहाँ लोग अकेली औरतों को कैसे तंग करते हैं? लेकिन खैर मैं कुछ करता हूं, ऊपर से बोलकर उस खबीस इंसान की खिंचाई करवानी पड़ेगी। भाई जब वो मामला ही खत्म करना चाह रही है तो बात यही खत्म हो जाती है। मामला खत्म है भाई, वो FIR वापस लेना चाह रही है। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है कि भाई हमारी बेटी साथ खैरियत वापस आ गई। लेकिन ये पुलिस वाले हैं, या तो जेबें गरम करेंगे या फिर आंखें ठंडी। तो किस किस्म के लोग हैं ये? ये कैसे सोते होंगे? इनको सुकून कैसे आता होगा? हौले वाला
But my foot. तुम वही हो ना? तुम मुझे पहचानो? और से देखो मुझे, पहचानने की कोशिश करो। तुमने मुझे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा के अगवा किया था ना, दस लाख लिए थे ना तुमने मेरे बाप से मुझे छोड़ने के लिए। क्या बना उन पैसों का? अभी तक कार्य मेरा खत्म हो गए। सर मत चुकाओ, देखो मुझे। मैं वही लड़की हूँ जिसको तुमने छोड़ने के पैसे तो ले लिए थे, लेकिन दुनिया वालों ने नहीं छोड़ा, और शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि कुआं वाले वाली लड़कियों के साथ ये लोग बाद में क्या सलूक करते हैं, कैसी होती है उनकी जिंदगी। मैंने दुआ की थी कि तुम मुझे मिलो और मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसी होती है उनकी जिंदगी। देखो मुझे, क्या ये वही होंठ है, ये वही आंखें हैं जिनकी तुम तारीफें करते थे और मैं पागल हो जाती थी। मैंने दुआ की थी अल्लाह से कि वो भी तुम्हारे साथ वही करे जो तुमने मेरे साथ सलूक किया। लगता है मेरी दुआ कबूल हो रही है। अभी तो शुरुआत है तुम्हारी बर्बादी की। तुम्हारी बर्बादी की।